problem, but still he has completed and concluded. Professor Manoj Kumar Jha. Shukriya. You will get opportunity during budget discussion on charity and other. Shukriya, Sabhapati Mahoday. आज का विषय इसके लिए आपने जो इजाजत दी इसकी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम अक्सर बात करते हैं, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी जिक्र हुआ शिक्षा को लेकर के। मुझे दुख है सर कि शिक्षा और शिक्षकों की नियुक्ति, क्योंकि अभी भी हमारा प्रोपोर्शन जो है, जो कितने बच्चों पे कितने शिक्षक होने चाहिए, हम मीलों दूर हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ सर, इसी सदन में मैंने पहले कहा NIOS का DLED प्रोग्राम शुरू हुआ पिछली NDA की सरकार में। 24 महीने को कहा गया कि 18 महीने, अब जिस पर ये बखेड़ा हो रहा है कहा गया इट शैल बी सब्स्यूम्ड। ये ऑन रिकॉर्ड है सर, NCTE ने खुद अपना फैसला पलट दिया। आज 13 लाख ट्रेंड टीचर सर बदहाली में है, हताशा में है पूरे देश में। दूसरी चीज सर, 69,000 शिक्षकों किनके नियोजन का मसला उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ, वो जिनको विद्यालय में होना चाहिए वो अभ्यर्थी न्यायालयों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। ये कमोबेश सर अलग अलग राज्यों में अगर देखें तो शिक्षक और शिक्षा शिक्षकों के नियोजन में इतनी अनियमितताएं हो रही हैं, प्राथमिकताओं में नहीं है। नतीजे में क्या है, कई जो लोग अभ्यर्थी हैं सर अब इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। ये हमारे बारे में, हमारी प्राथमिकताओं के बारे में अच्छा संदेश नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से चाहूंगा इसे प्राथमिकता मिले। इससे बड़ी प्राथमिकता देश के लिए, समाज के लिए कुछ भी नहीं हो सकती है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो मसला 69,000 शिक्षकों का या NIOS डिप्लोमा जो DLED का है, जो गवर्नमेंट का अपना फ्लैगशिप प्रोग्राम था। अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम को दूसरी बार जब सरकार में आते हैं उसको दरकिनार करते हैं। सरकार निरंतरता में होती है, निर्णय निरंतरता में होते हैं। अगर इसको हम ना समझ पाए हम नुकसान करेंगे देश का, समाज का। धन्यवाद सर। बीच में और भी सरकार था ना? जी सर, बीच में और भी सरकार था ना। सो सर